क्या आपको भी बढ़े हुए पित्त के ये लक्षण महसूस हो रहे हैं? अगर ये सात लक्षण आपको अपने शरीर में महसूस हो रहे हैं तो ये कंफर्म है कि शरीर में पित्त बढ़ रहा है, और बढ़े हुए पित्त का इलाज अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी आंखों का इलाज हो जाए, या आपको लग रहा है कि आपकी सूंघने की क्षमता कमजोर पड़ रही है और आप चाहें कि आप नाक का इलाज करके इसको खत्म कर लेंगे, नहीं होगा। क्योंकि पित्त वृद्धौ इंद्रिय दौर्बल्यम, एक इंद्रिया जो है एक लक्षण होता है पित्त वृद्धि का, जिसमें कहा गया है पित्त वृद्धौ इंद्रिय दौर्बल्यम। इंद्रिया मतलब कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रियों का अगर दौर्बल्य आ रहा है शरीर में, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया मतलब कर्मेंद्रियों में हाथ और पैर, फिर मुंह और एनस और जेनाइटल ऑर्गन्स, अगर इनसे रिलेटेड कहीं कोई कमजोरी आपको महसूस हो रही है, इसका मतलब शरीर में पित्त बढ़ रहा है। पित्त वृद्धौ मूर्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आलसपन बहुत बढ़ता जा रहा है, बेहोशी बेहोशी सी लगना चालू हो गई है, हमेशा ही आपको ऐसा लगता है कि पड़े रहें, यहां गिर जाए वहां गिर जाए, इसका मतलब पित्त बढ़ रहा है। आप पित्त को बैलेंस किए बिना आप खूब सारी दवाइयां खा लेना, आपको आराम नहीं मिलेगा। पित्त वृद्धौ संताप, पित्त जब बढ़ता है तो शरीर का तापमान बढ़ता है। हथेली अगर आपने किसी के हाथ पर टच करी, वो कहेगा आपको तो तेज गर्म लग रहा है हथेली आपकी। आप अपनी ही हथेली अपने माथे पर लगाते हो, आपको अपना हाथ गर्म लगे, अगर ऐसा हो रहा है, या फिर आपको आंखें गर्म लगे हैं, आपको तलवे गर्म लगे हैं, इसका मतलब पित्त बढ़ रहा है। अगर आपकी नींद कमजोर हो रही है, पित्त वृद्धौ अल्पनिद्रता, नींद अगर कम हो रही है तो भी पित्त बढ़ रहा है। अब अगर बढ़े हुए पित्त को दूर करने के लिए आप नींद को लाने के लिए कुछ भी करते रहो, पित्त बैलेंस नहीं होगा तो परमानेंट इलाज नहीं होगा। पित्त वृद्धौ शीत कामित्वम, पित्त जब बढ़ता है ठंडी चीजें खाने का मन कर रहा है। अब ठंडी चीजें खाने का मन कर रहा है, अपन ठंडी ठंडी खाए जा रहे हैं, इससे क्या होगा? ठंडी चीजें खाने से आपके बढ़ते हुए पित्त को, जो पित्त की जो मनसा है वो तो आपने पूरी कर दी, लेकिन बढ़ते हुए पित्त की मनसा पूरी करना बढ़ते हुए पित्त का इलाज नहीं है। तो जब तक आप पित्त को ठीक नहीं करेंगे, पित्त का समन नहीं करवाएंगे, तब तक आपका वो पित्त वृद्धौ शीत कामित्वम का नेचर बना रहेगा लगातार। अगर पित्त बढ़ रहा है तो पित्त वृद्धौ पीत विन मूत्र नेतम च, पित्त बढ़ेगा तो यूरिन, मल और आंखें आपकी पीली होना चालू हो जाएंगी। अगर ये लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं सारे, तो निश्चित ही ये मान लीजिए कि आपके शरीर में पित्त की वृद्धि का दोष आया है। और ये जो दोष कहा जाता है आयुर्वेद में, दोष की विषमता रोग का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। रोग की परिभाषा ही आयुर्वेद में ये है, रोगस्तु दोष वैषम्यम, रोग क्या है? दोष की विषमता रोग है। और अगर पित्त वृद्धि हो रही है तो दोष, पित्त दोष जो है विषम हो गया ना। अगर पित्त दोष विषम होगा तो एक तो पित्त दोष विषम हो गया तो पित्त बढ़ गया, ये तो है ही, इसकी वजह से इतने सारे लक्षण तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आपका दोष विकृत हुआ है तो रोगस्तु दोष वैषम्यम, रोग कोई सा भी हो, पित्त वृद्धि के अलावा आपका माथा दर्द करना, लोगों को लोग कहते हैं माइग्रेन हो गया है, कोई कहता है कि आंखें खराब हो रही हैं, कोई कहता है कि गला खराब रहता है, किसी को त्वचा के रोग होते चले जा रहे हैं, ये सब के सब, किसी किसी को त्वचा में पसीने में से बदबू आ रही है, पित्त के बढ़ने की वजह से सब कुछ होता है। तो आप अगर पित्त के बढ़े हुए होने के बाद जो शरीर में लक्षण पैदा होते हैं, इन लक्षणों को आप याद रखेंगे तो निश्चित ही पित्त के बढ़े हुए होने के इन लक्षणों का इलाज आप कर पाएंगे। लक्षणों का इलाज भी कर लो, साथ में पित्त की वृद्धि को सम कर लो। जैसे ही पित्त की वृद्धि सम होगी, आपका दोष सम हुआ तो आपका रोग खत्म हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। और स्वस्थ शरीर में स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य की परिभाषा है दोष साम्य आरोग्यता। दोष साम्य आरोग्यता का क्या मतलब है? दोष जैसे ही सम हुए, शरीर आरोग्य हो जाएगा, रोग से मुक्त हो जाएगा। और रोग से मुक्त हो जाएगा इसका मतलब क्या है? आप पित्त का समन करोगे तो पित्त के बढ़ने के जो लक्षण थे वो तो ठीक होंगे ही होंगे, लेकिन पित्त सम होगा तो दोष सम होगा, और दोष सम होगा तो दोष साम्य
आरोग्यता, आपका शरीर आरोग्य को प्राप्त करेगा। आरोग्य को प्राप्त करेगा तो निश्चित ही आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। आपके शरीर में रोग अगर घुसेंगे तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उन रोगों से, चाहे वो रोग सामान्य तौर पर, ये थोड़ा सा फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, लेकिन सामान्य तौर पर लोग कहते हैं ना कि कंटेजियस डिसीजेज और लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिसीजेज, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कंटेजियस डिसीजेज मतलब वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट, ये सब चीजें, ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन बीमारियों को करवाते हैं उनको कंटेजियस डिसीजेज बोला जाता है। कंटेजियस का मतलब है जो कॉन्टैक्ट से भी फैले, प्लस इंफेक्शियस भी बोला जाता है इनको, जो किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के इंफेक्शन होने के बाद शरीर में डेवलप हो। लेकिन लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिसीजेज, लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, जैसे आपके शरीर में शुगर का बढ़ जाना, जैसे हार्ट की समस्याएं, इनके लिए वायरस बैक्टीरिया तो नहीं है रेस्पॉन्सिबल। अगर वायरस बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर व्याधि क्षमता तो मैं बोलने वाला था आगे, यही शब्द आता, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता फिर इसमें कहां काम करेगी? रोगों से लड़ने की क्षमता अर्थात रोग कारक रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता, रोग कारक रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता मतलब वो आपका जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो बात आ गई इसमें। इम्यून रेस्पॉन्स कैसा है ये कहां डिपेंड करेगा? जहां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस, ये सारे जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, हम नेचुरोपैथी में एक शब्द कहते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, वेदर वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस, दे डू नॉट कॉज डिजीज बट दे आर फाउंड इन डिजीज कंडीशन। ये बीमारी पैदा नहीं करते, लेकिन जब शरीर कमजोर होता है तब फिर कमजोर शरीर को पाकर के, जैसे आप देखोगे ना जिंदा छिपकली के आसपास मक्खियां नहीं जाती, छिपकली के आसपास मक्खियां या फिर चींटियां कब जाती हैं? जब वो देख लेती हैं कि ये छिपकली तो चली नहीं पा रही है, ये छिपकली तो बिल्कुल धीरे धीरे करके, जैसे छिपकली जब, अगर कभी आपने देखा हो, ऐसा मैंने देखा है कि अगर कहीं कोई ऐसी छिपकली या कोई ऐसा जीव जंतु, आप कुछ भी मान लीजिए, जो सामान्य तौर पर आपने देखा होगा ना, चींटियां किसी एक बड़े से कीड़े मकोड़े को लेके जा रही हैं, जिंदा को ले जा सकती हैं क्या? नहीं। जैसे ही वो कमजोर पड़ेगा फिर ये छोटी छोटी चींटियां जो है ना, ये उसको अपने अधिकार में ले लेंगी और उसको जैसा वो चाहेंगी वैसा कर लेंगी। ठीक वैसे ही ये वायरस बैक्टीरिया तब तक आपके शरीर में नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत है। लेकिन यहां मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था वो था व्याधि क्षमत्व। व्याधि क्षमत्व का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही व्याधि क्षमत्व बोला जाता है, लेकिन व्याधि क्षमत्व वो थोड़ा बड़ा शब्द है, उसमें आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आ गई, तो उसमें आपके शरीर की जो क्षमताएं अच्छी होनी चाहिए, शरीर की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अच्छी होनी चाहिए। शरीर में अगर आपने कुछ ज्यादा खाया तो शरीर जो उसको बाहर फेंकने की चेष्टा करता है, रखता है, बचपन में बच्चे को आप ज्यादा खिला दो वो मोशन हो जाएंगे, उसको दूध ज्यादा पिला दो उल्टी कर देगा, वो ज्यादा रखता ही नहीं है शरीर, तो कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ेगा? लेकिन कब बढ़ता है? बच्चे ने उल्टी करी, हमने दवाई खिला दी, बच्चे ने एक बार मोशन किया ठीक है, दो बार अगर पतले से दस्त कर दिया, उसने तुरंत ही दौड़ करके गए डॉक्टर साहब बच्चे को दस्त लग रहे हैं, आपको कुछ ऐसा दे दो, इसको मोशन ही नहीं हो, और फिर चार दिन तक मोशन नहीं होता तो भी अपना फिर सीना ऊपर नीचे होने लगता है, धड़कने लगता है, तो डेफिनेटली ये जो चीजें हैं ना, ये जो शरीर की मैकेनिज्म, बच्चों की इम्यूनिटी इतनी वीक क्यों होती जा रही है? क्योंकि हम बच्चे को बीमार रहने नहीं देते। अगर बच्चा थोड़ा बीमार रहे, थोड़ा सर्दी जुकाम खांसी जैसे ही हुआ नहीं कि दवाई हमने, अच्छे जो भी फिजिशियंस हैं डेफिनेटली वो कोशिश करते हैं कि वो आपको ये समझाते हैं कि चलो ठीक है आप आज तो ले आए, लेकिन अगली बार से अगर कुछ ऐसा थोड़ा बहुत हो तो आप पहले ये रख रखाव करिए। रख रखाव का मतलब क्या? एक्यूट डिसीजेस आर फ्रेंड्स ऑफ बॉडी बोला जाता है, तीव्र रोग शरीर के मित्र होते हैं, शत्रु नहीं। तीव्र रोग मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, उल्टी, ये सारे रोग जो हैं ये शरीर में पैदा होते हैं, आप थोड़ा इनको बने रहने दीजिए, इनके अगेंस्ट स्वतः ही शरीर एंटीबॉडीज डेवलप करेगा, क्योंकि ऐसे रोग तो है नहीं कि ये शरीर को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, और ज्यादा परेशान करते भी हैं, जैसे मान लो रिपीटेशन ऑफ एक्यूट डिसीजेज अगर ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है बार बार कोई बीमारी हो रही तो अपन दिखा लें,
और उसका ट्रीटमेंट करवा लें, लेकिन एक दिन में ही उससे क्या है, धीरे धीरे करके व्याधि क्षमत्व या जिसको इम्यूनिटी बोला जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोला जाता है, वो कमजोर होती चली जा रही है। आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर और कोई टॉपिक होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन या कंप्लीट गाइड चाहते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। मुझे लगता है पित्त वृद्धि के जो लक्षण मैंने अभी वीडियो में बताए उनको आप याद कर लें, आप उनको देख करके ये समझें कि ये पित्त की वृद्धि का दोष है। इस दोष को आपको मैनेज करने के लिए, पित्त वृद्धि को मैनेज करना आना चाहिए लाइफस्टाइल और अपने डाइट और एक्सरसाइजेस से। आप अगर उसको उस तरीके से मैनेज कर दोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पूरा एक वीडियो है, कंप्लीट गाइड हाउ टू मैनेज पित्त वृद्धि, जो पित्त वृद्धि हुई है उसको आप कैसे मैनेज करोगे, उसके लिए कंप्लीट गाइड है। उसमें डाइट, एक्सरसाइजेस और ट्रीटमेंट, नेचुरल ट्रीटमेंट, व्हाट वी कैन डू एट होम, ये पूरा का पूरा प्लान है। तो आप उस वाले वीडियो को भी देख सकते हैं जिससे आपको एक कंप्लीट नॉलेज आए कि आप किस तरीके से बढ़े हुए पित्त को मैनेज कर सकते हैं बीइंग एट होम। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।